नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं माय मोटर गाड़ी का यूट्यूब चैनल। अगर आपके पास नेक्सॉन है तो आपने एक प्रॉब्लम बहुत ही फेस की होगी कि आपको लगता है कि आपके ब्रेक थोड़े ज़्यादा टाइट हो जा रहे हैं, कभी डीले हो जा रहे हैं, कभी आपको लगता है ब्रेक आपके वाइब्रेट कर रहे हैं, हार्ड हो रहे हैं। देखिए बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, मैंने फेस की थी, लेकिन इसके बारे में मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि ये चीज़ हो क्यों रही है। तो इसमें मालूम चला कि ये एक कंपनी का सेफ्टी फीचर है जो आपकी गाड़ी के अंदर दिया गया है आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग के टाइम पे। अब मैं समझाता हूँ वो क्या है। देखिए नेक्सॉन के अंदर एक सेफ्टी फीचर आता है जो आता है ब्रेक प्रीफिल। यानी कि प्रीफिल क्या होता है, जैसे आपकी स्पीड ज़्यादा है तो वहाँ पर आपकी गाड़ी के जो ब्रेकिंग टाइम होता है, अब मान लीजिए आपकी गाड़ी के सामने कुछ आ गया, भैंस आ गई, गाय आ गई, कुत्ता आ गया, कुछ भी आ गया, तो आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग मारनी पड़ती है। तो इस टाइम पे अगर आपका ब्रेक यहाँ से ट्रेवल करता हो पूरा नीचे तक जाएगा तो वहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन मान लीजिए आपका ब्रेक यहीं पर लग जाए, हल्का सा ही लग जाए, तो आपका ब्रेकिंग जो डिस्टेंस है वो थोड़ा कम हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर कार क्या करती है, मतलब जो कार का ECU है वो क्या करता है, अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो आपकी जो ब्रेक फ्लूइड है उसको पहले से रेडी रखता है, उसका जो टैंक है उसके अंदर फिल करके रेडी रखता है कि अगर आपको ब्रेक लगाना पड़े तो आपको बस इतना ही प्रेस करना है हाई स्पीड के ऊपर, बाकी काम अपने आप गाड़ी कर लेगी। उसको सिग्नल मिल जाएगा, भैया सिंपल सी बात है, गाड़ी में ब्रेक लगाना स्टार्ट कर दो। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपका ब्रेक जल्दी लग जाएगा, ब्रेकिंग डिस्टेंस कम हो जाएगा। ये चीज़ मुझे तब मालूम चली मैं जब सर्विस सेंटर गया, उनको भी नहीं पता था कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। बाद में मैंने थोड़ा रिसर्च किया, भाई क्या है इसके सेफ्टी फीचर्स ब्रेक से रिलेटेड क्या है, तो मैंने धीरे धीरे सर्च करना स्टार्ट किया। एक्चुअली मैं शोरूम पर्सन, जो सर्विस सेंटर पर्सन है, जो सेल्स पर्सन है, मतलब जो शोरूम के अंदर होते हैं, सर्विस सेंटर के अंदर होते हैं, उनको भी नहीं पता कि ये ब्रेक प्रीफिल होता क्या है। तब मैंने ब्रेक प्रीफिल के बारे में पढ़ा थोड़ा सा कि एक्चुअली में काम कैसे करता है। वो काम ऐसे करता है कि आपके मतलब एक पिस्टन टाइप का होता है, समझ लीजिए जैसे आप ब्रेक प्रेस करते हैं तो पिस्टन पूरा नीचे जाता है, और जैसे नीचे जाता रहता है वो उस ब्रेक को प्रेस, फ्लूड को प्रेस करता रहता है, उसकी प्रेशर की वजह से आपका ब्रेक लगता है। तो वहाँ पर जो ECU है वो क्या करेगा, आपका जो डिस्टेंस होता है इतना, उसके अंदर ऑयल मतलब जो फ्लूड होता है उसको भर के रखेगा, वहाँ पर आपका ब्रेक ऑटोमेटिकली कम डिस्टेंस के ऊपर ज़्यादा लगेगा। तो अगर आपकी गाड़ी के अंदर ये दिक्कत आती है कि आपकी गाड़ी का जो ब्रेक है, मतलब नेक्सॉन का स्पेसिफिकली बात करूँ तो ब्रेक है जो हार्ड हो जाता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सेफ्टी फीचर है एक टाइप से, और आपकी गाड़ी को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सेफ्टी फीचर ब्रेक प्रीफिल दिया गया है। ये सर्विस सेंटर वालों को भी एक्चुअली मालूम नहीं होता, जो शोरूम वाले उनको भी एक्चुअली मालूम नहीं होती दिक्कत आती क्यों है, और वो एक्चुअली में कंज्यूमर को समझा नहीं पाते, कस्टमर को समझा नहीं पाते कि ये एक्चुअली सेफ्टी फीचर है। तो अगर आप अगली बार जाएं तो आपके सामने कोई ऐसा कस्टमर खड़ा हो जो ब्रेक की दिक्कत बता रहा हो, उसको बोलना कि भाई ये सेफ्टी फीचर है, इससे डरने का नहीं। बट एक दिक्कत मुझे अभी भी आ रही है, जैसे मान लीजिए मैं सडन ब्रेकिंग करता हूँ तो मेरा जो ब्रेक पैडल है वैसे वाइब्रेट करता है। अगर आपकी गाड़ी के अंदर ऐसी दिक्कत आई थी और आपने ठीक करवा लिया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इसको ठीक कैसे कराया जा सकता है, और ताकि मैं एक्चुअली में जो सर्विस सेंटर को समझा सकूँ कि दिक्कत एक्चुअली में है क्या, एक्चुअली होता क्या है, उनको भी एक्चुअली समझ में नहीं आ पाता कि ये दिक्कत आती क्यों है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है, ये इन्फॉर्मेशन आपने ग्रैब कर ली है, तो आपका फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स कमेंट सेक्शन में छोड़ के जरूर जाना। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।